दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक समापन हो गया। इस सम्मेलन से कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसकी मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से भी ये तस्वीरें बेहद अहम है। इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की खास तस्वीर का जिक्र करेंगे। लेकिन इस तस्वीर पर बात करने से पहले ये बता दें कि अमेरिका और सऊदी में पिछले करीब 4 साल से दूरियां हैं, लेकिन G20 सम्मेलन के दौरान 9 सितंबर को जब भारत यूरोप और मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाईं तरफ बाइडेन और बाईं तरफ मोहम्मद बिन सलमान बैठे थे। डील के बाद सलमान और बाइडेन ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा। इसी बीच मोदी ने दोनों के हाथ थामे और इन्हें मिलाकर ऊपर अपना हाथ रख दिया। यानी G20 के मंच से मोदी ने अमेरिका और सऊदी की चली आ रही दूरियों को पल भर में मिटा दिया। इसके बाद कुछ मिनट इनकी बातचीत हुई। बाद में डील का हिस्सा बने सभी 8 देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स ने ग्रुप फोटो सेशन कराया। चंद मिनट में ही ये तस्वीर और इसका वीडियो वायरल हो गया। बता दें कि 9 सितंबर को G20 सम्मेलन के दौरान जो डील हुई उसे साफ तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का जवाब माना जा रहा है। नई दिल्ली G20 समिट के दौरान हुई इस डील में 8 देश शामिल हैं। इसे भारत यूरोप और मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील कहा गया है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन पहली बार 15 जुलाई 2022 को सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। जद्दा में वो मोहम्मद बिन सलमान से मिलने पहुंचे। गाड़ी से उतरे तो सामने क्राउन प्रिंस सलमान खड़े थे। दोनों मुस्कुराए मगर हाथ मिलाने के बजाय मुट्ठियां टकराई। इसे अंग्रेजी में फिस्ट बम कहा जाता है। ये तस्वीर और इसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ। उस वक्त कहा गया कि अमेरिका और मोहम्मद बिन सलमान की तलखियां कम नहीं हुई हैं। दरअसल अमेरिका और सऊदी के बीच तलखियां उस वक्त देखने को मिली जब 2 अक्टूबर 2018 को अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट से जुड़े सऊदी अरब मूल के एक जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की तुर्की के राजधानी इस्तांबुल में हत्या कर दी गई। जमाल सऊदी अरब में ह्यूमन राइट्स वायलेशन और वहां के शासकों के सख्त विरोधी थे और अक्सर सऊदी रॉयल फैमिली को निशाना बनाते थे। कहा जाता है कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इससे बेहद खफा थे। तुर्की सरकार ने CCTV फुटेज के आधार पर जांच की और कत्ल का इल्जाम सऊदी रॉयल फैमिली पर लगाया। अमेरिका में भी इस घटना का बेहद विरोध हुआ। सऊदी प्रिंस पर मर्डर केस चलाने की मांग की गई क्योंकि जमाल के पास अमेरिकी नागरिकता थी। यहां तक कि बाइडेन ने 2020 के इलेक्शन कैंपेन में कई बार इस घटना का जिक्र किया और मोहम्मद बिन सलमान को नतीजे भुगतने की धमकी दी। बाइडेन जब जनवरी 2021 में प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने सलमान से फोन पर बातचीत तक नहीं की, जबकि मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी और राजदार है। लेकिन अब G20 में मोदी ने बाइडेन और मोहम्मद बिन सलमान को हाथ मिलवा के ये दूरियां जरूर कम कर दी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।